हम लोग अभी तक भागवतम के 12वां अध्याय जो महाराज परीक्षित के जो जन्म है उस अध्याय के पच्चीस नंबर श्लोक तक हम लोग चर्चा किए हैं। तो उसके आगे से हम लोग शुरू करेंगे, तो आप लोग फटाफट कोई प्रेजेंट कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज महाराज परीक्षित के आविर्भाव के बाद अलग अलग मुनि ऋषि को बुलाते हैं, विशेष करके धौम ऋषि और कृपाचार्य। और धौम ऋषि और कृपाचार्य महाराज परीक्षित के जातक क्रिया करते हैं, और महाराज परीक्षित के जातक क्रिया होने के बाद युधिष्ठिर महाराज जो नवजात शिशु है, पुत्र हैं जिनका आविर्भाव हुआ है, तो उनके बारे में वो जानना चाहते हैं। महाराज परीक्षित युधिष्ठिर महाराज जानना चाहते हैं कि जो पुत्र हैं इनके इनके भविष्य किस प्रकार होगा, ये किस प्रकार के व्यक्ति बनेंगे, ये क्या हमारे कुरु वंश के जो महान राजर्षियों के पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे, तो इसके बारे में श्रवण करना चाहते थे। और युधिष्ठिर महाराज चाहते थे कि कृपाचार्य और बाकी जो ब्राह्मण गण उनको आशीर्वचन करें। सत्यजीत प्रभु ज्वाइन नहीं कर पा रहे, एक बार देखिए किस कोई असुविधा है कि नहीं उनको। तो फिर ब्राह्मण लोग आशीर्वचन करते हैं, और आशीर्वचन करते हुए वो बताते हैं कि जो बालक हैं ये मनु और इक्ष्वाकु के जैसे प्रजा रक्षक होंगे, रामचंद्र के जैसे दशरथ नंदन रामचंद्र के जैसे ब्राह्मणों की और प्रजाओं की हितकारी होंगे, सत्य प्रतिज्ञ होंगे। ये जो बालक हैं ये बहुत बड़े दाता होंगे। महाराज दुष्मंत के जो पुत्र है भरत, भरत के जैसे जश उनके सारे पृथ्वी में उनका फैलेगा। ये जो पुत्र हैं अर्जुन के जैसे श्रेष्ठ धनुधर होंगे, अग्नि के जैसे दुर्बार होंगे, समुद्र के जैसे अपार दुरंत होंगे, समुद्र के जैसे दुस्तर होंगे। फिर वो बताते हैं कि जो पुत्र हैं ये सिंह के जैसे विक्रमशाली साहसी होंगे, हिमालय के जैसे सबका आश्रय बनेंगे, और धरित्री के जैसे धैर्यशाली होंगे। जैसे धरित्री सबको क्षमा करते हैं, सबको सबको सहन करती है, उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज सॉरी परीक्षित महाराज बहुत धैर्यशाली होंगे, बहुत सहनशील होंगे। और फिर मानसिक साम्यता, जो मेंटल इक्विलिब्रियम होता है, तो उस संदर्भ में ये जो पुत्र हैं ये युधिष्ठिर महाराज और ब्रह्मा के जैसे ब्रह्मा के समान होंगे। तो फिर ये जो पुत्र हैं कैलाश पर्वत के अधिपति शिव जी के जैसा महावदन्य दयालु होंगे, लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान की आश्रय भगवान नारायण के आश्रय लेते हैं, तो और भगवान सबको आश्रय प्रदान करते हैं, तो उसी प्रकार महाराज परीक्षित सबके आश्रय होंगे।
और भगवान कृष्ण की पद चिन्हों की, भगवान कृष्ण की शरणागत होने के कारण इन पुत्रों में भगवान कृष्ण के जैसे सारे सद्गुणावली विभूषित रहेगा। रंती देव जैसे जैसे महान राजा, जैसे उदार थे, तो महाराज परीक्षित भी वैसे उदार होंगे। और धर्म पालन करने में ये महाराज जजाति के जैसे होंगे। और फिर श्लोक नंबर 25 में बताया गया, धृत्या वली समो कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रह आहर्तैर्शो अश्वमेधानां वृद्ध्यानां पर्युपाशकः। तो जो शिशु है, ये पुत्र है, धैर्य में बलि महाराज के जैसे होंगे। हम लोग बलि महाराज की कहानी हम लोगों को पता है, तो बलि महाराज को किस प्रकार भगवान विष्णु उनके पास से तीन पैर पद भूमि मांगे थे, और बलि महाराज भगवान को तीन पद भूमि मांगने के लिए वचन दिया, और भगवान बामन देव तीन पद भूमि लेने के द्वारा उनके सारे राज्य, ऊर्ध्वलोक निम्नलोक सब कुछ अपने दखल में कर लियो। और तीसरा पैर रखने की कोई जगह नहीं था, तो तब भगवान बामन देव ने पूछा कि आप तीसरा पैर तो दीजिए, आपने वचन दिया है। तो तब बलि महाराज ने तीसरा पैर को बोले, आप मेरे मस्तक पे रखिए। तो तब भगवान बामन देव उनके तीसरा पद जो है बलि महाराज के मस्तक पे रखते हैं। और इस प्रकार बलि महाराज का सब कुछ भगवान बामन देव जो ब्राह्मण के छद्मवेश में आए थे वो ले लिए। और फिर भगवान बामन देव उनको नागपास में बंदी बनाने के लिए बोलते हैं। और एक प्रकार से बलि महाराज को सबके सामने, उनके प्रजाओं के सामने और स्वर्ग के देवताओं के सामने उनको नीचा किया, छोटा किया। लेकिन बलि महाराज क्योंकि भगवान की शरणागत थे, बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोता, प्रहलाद महाराज के पोता थे, भक्त थे, इसलिए भगवान के जो इस प्रकार क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म एक तरीके से, तो बलि महाराज को कष्ट नहीं लगा। तो बलि महाराज भगवान के कृपा मान के उसको स्वीकार किए। तो बलि महाराज सोच रहे थे कि तो सब कुछ भगवान का है, इस पूरे पृथ्वी के जो पूरी सृष्टि भगवान का है, भगवान लक्ष्मीपति है। अगर भगवान किसी को देते हैं, इसको कृपा पूर्वक कुछ देते हैं और उनसे कृपा पूर्वक किसी को देते हैं और वो कुछ ले लेते हैं, उसमें क्या दोष है? भगवान किसी को दिए हैं और कभी दिए हैं और कभी वो ले लिए हैं, तो उनकी संपत्ति किसी को दिए हैं और वो ले लिए हैं, तो इसमें किसकी क्या बड़ी बात है, इसमें क्या दोष है? अल्टीमेटली सब कुछ भगवान का है। इस दुनिया में हमारे पास अगर कुछ चीज आता है तो हम लोग सोचते कि मेरा है, और कुछ समय के बाद हम लोग उसके प्रति बहुत अटैच हो जाते हैं। तो जब वो खो जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, जब हमारे हाथ से चले जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो
बलि महाराज आपने हृदय से, क्योंकि भगवान की शरणागत थे और मोहग्रस्त अवस्था में नहीं थे, तो इसलिए बलि महाराज को उनको हृदय में कष्ट नहीं हुआ। उसी प्रकार हम लोग परीक्षित महाराज के जीवन में भी देखते हैं, जब उनको शाप मिला था तो उनको बहुत बहुत बड़ा झटका नहीं लगा था, क्या भी क्या होगा, मेरा अभी मैं बहुत क्या बोलते जुबा हूँ। महाराज परीक्षित को, महाराज परीक्षित एकदम जुबा अवस्था में उनको शाप मिला था और जुबा अवस्था में ही अपने शरीर छोड़े थे। तो कुछ ही साल उन्होंने राज्य संभाले थे। तो महाराज परीक्षित को लगा कि एक्चुअली ये मेरी कर्म फल है, तो मैंने अपराध किया था, ब्राह्मणों के चरणों में अपराध किया था और एक्चुअली ये सजा मेरे को मिलना चाहिए, और ये जो अपराध का फल मेरे प्रजाओं को नहीं भुगतना चाहिए, और इसलिए परीक्षित महाराज तुरंत अपने राज्य को अपने पुत्र जो जन्म जाए के हाथ में सौंप दिया, और भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की आश्रय लेने के लिए वो उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिए। लास्ट वीक में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सेम चीज हम लोग देख सकते हैं हमारे प्रिय इस श्रेष्ठ पंकज जहांगीर प्रभु के जीवन में। तो भी जब उनको कोरोना हुआ था तो प्रभु प्रयास कर रहे थे कि रहने के लिए, और श्रील प्रभुपाद जी के बाकी शिष्यगण और मायापुर मैनेजमेंट प्रभु को इंस्पायर कर रहे थे कि आप रहिए, और इस प्रकार उनके जितने भी क्लोज डिवोटी हैं उनको उनके पास रखे थे कि पंकज जांगे प्रभु फील मोर कंफर्टेबल एंड ही रिमेन विद अस, क्योंकि पंकज जांगे प्रभु को बहुत जरूरत था। तो पंकज जांगे प्रभु भी प्रयास कर रहे थे, हालांकि उनको बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन वो प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार और कुछ दिन प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा कर पाए। तो लेकिन जब उन्होंने समझा कि ये शायद पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, तो उन्होंने भगवान की संपूर्ण रूप से आश्रय लिया। तो पहले वो कोलकाता आए थे इसीलिए कि ये अगर ट्राई किए कि भगवान अगर और कुछ दिन रह सके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि संभव नहीं है तो तुरंत मायापुर में बैठ गए। तो वो प्रैक्टिकली सारे डॉक्टर को पुश कर रहे थे कि मैं मायापुर आना चाहता हूँ, मैं मायापुर जाना चाहता हूँ, मेरे को मायापुर लेके चलिए। और फिर सारे मायापुर के डिवोटीज तुरंत आईसीयू एम्बुलेंस का ऑर्गन अरेंज किया, और फिर पंकज जांगे तो मायापुर आए, और मायापुर आके फिर नरसिंह देव, फिर पंच तत्व का दर्शन हुआ, और फिर अपने रूम में सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर चल रहा था, नरसिंह देव प्रभुपाद जी का फोटो था। तो भगवान के धाम में चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में तो पंकज जांगे प्रभु प्रैक्टिकली उन्होंने अपने हाथ से लिख दिया कि प्रभुपाद जी के लेक्चर होना चाहिए, चलना चाहिए, और भक्त लोग कीर्तन करना चाहिए। तो उनके लिए कोई झटका नहीं था, वो बहुत दुखी नहीं थे क्यों मेरे लिए ऐसा हो गया। तो जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में मिथ्या अहंकार में रहता है कि मैं ही भोक्ता हूं और सब कुछ मेरा है और मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, तब जब एंजॉयमेंट में ब्रेक लग जाता है, एंजॉयमेंट में भगवान या
मैया देवी जब दुखद परिस्थिति आते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, और वो आगे चलने की शक्ति नहीं मिलता है, या भगवान की आश्रय नहीं ले पाते। तो जो जीवन के मूल उद्देश्य है, जीवन के मूल उद्देश्य है सुख में रहे या दुख में रहे, भगवान की शरणागत हो, भगवान की आश्रय ले। इसलिए हमारे जीवन में जो सुख और दुखमय परिस्थिति होता है, ये उसी उद्देश्य के लिए होता है, भगवान की आश्रय लेने के लिए। और अंत में मनुष्य जीवन के जो मूल उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति के लिए। तो इधर जो राजागण सॉरी ब्राह्मणगण बोल रहे हैं कि ये जो पुत्र हैं बलि महाराज के जैसे धैर्यशील होंगे, परीक्षित महाराज प्रहलाद के जैसे नैष्टिक कृष्ण भक्त होंगे, बहुत सारे आश्रम यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, और अभिज्ञ और वृद्ध व्यक्ति जो हैं उनका अनुगमन करेंगे। तो प्रहलाद के जैसे कृष्ण भक्त होंगे, जो प्रहलाद बहुत सारी कठिन परिस्थिति था, लेकिन फिर भी वो हर कठिन परिस्थिति में भगवान के आश्रय लिए, भगवान की शरणागत हुए। उसी प्रकार ये जो पुत्र हैं, जो परीक्षित महाराज, वैसे ही कृष्ण भक्त होंगे। तो हम लोग लास्ट वीक में चर्चा कर रहे थे कि इधर महाराज युधिष्ठिर को ब्राह्मणगण बता रहे कि ये जो पुत्र हैं ऐसे महान भक्तों के जैसे होंगे, अलग अलग महान भक्तों के उदाहरण देते हुए। तो और उसी प्रकार हम लोग देख सकते कि हमारे सामने भी ऐसे बहुत सारे महान भक्त हैं, हमारे सामने भी ऐसे बहुत सारे महान भक्त हैं, केवल ऐसे नहीं कि शास्त्र में जैसे बताया गया है रंतिदेव, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, प्रहलाद, बलि महाराज, वही महान भक्त थे, और आज के सामने, आज के जमाने में हमारे सामने कोई गुड एग्जाम्पल नहीं है। तो हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी वो प्रॉब्लम है, प्रभु जी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी पढ़ाई में ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी पत्नी का ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी का ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी शरीर में ये प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रकार के हजारों एक्सक्यूज देते हैं भक्ति को सीरियसली नहीं करने के लिए। हम लोग सोचते हैं कि ये सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, इसलिए अभी मैं सीरियसली भक्ति नहीं कर सकता हूँ, सिचुएशन थोड़ा सा इंप्रूव कर जाएगा देन आई विल टेक कृष्ण कॉन्शियसनेस सीरियस। लेकिन एक्चुअली वी आर इन द बेस्ट सिचुएशन, हम लोग सबसे अच्छे परिस्थिति में हैं, जो हम लोग भगवान के शुद्ध भक्ति करके भगवान के धाम में जा सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए हैं, जो दूसरे कलयुग में नहीं आते हैं, और इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आके एक विशेष अपॉर्चुनिटी देते हैं सबको, भगवत प्रेम या ब्रज प्रेम प्राप्त करके गोलोक वृंदावन जाने का। और अब जब देते हैं तो उसका किसी का पात्रता विचार नहीं करते हैं। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी के सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी इस कलयुग में आए हैं, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को सारे विश्व में फैला दिया। और ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन अभी हर जगह में प्रचार हो रहा है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, जेल, घर घर में, अफ्रीका के जंगल में, होटल में, बार में, हर जगह। ऐसा कोई जगह नहीं है इधर कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं हो रहा, हर व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी है। और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है हम सभी भक्तों के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे एनवायरमेंट क्रिएट किया है इस्कॉन के मंदिर, इस्कॉन के भक्तों के द्वारा, उनके किताब का वितरण करने के द्वारा, ऐसे उत्साह प्रदान करने के द्वारा, तो ऐसे सुंदर फैसिलिटी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है
जो एक व्यक्ति बहुत आसानी से कृष्ण भक्ति कर सकता है। पहले जमाने में भक्ति करने के लिए आपको घर छोड़ के आपको हिमालय जाना पड़ता था, गुरु ढूंढने के लिए सौ गुरु ए बाही गच्छे बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कृपा से गुरु लोग घूम रहे हैं पूरे विश्व में। पंकजांग रिपू जन निवास को गुरु ढूंढने के लिए सारा पृथ्वी का एक बार चक्कर काटना पड़ा, वो लोग घर छोड़ के निकल गए थे इंडिया में आने के लिए, और हम लोग भारत में हैं और हम लोग बोलते प्रभु जी चैंटिंग नहीं कर सकते, प्रभु जी सोला माला नहीं होता है, प्रभु जी क्लास में नहीं आ सकते। तो भारत में जन्म लेने के बाद अगर हम लोग जन्म से इस वैदिक संस्कृति में बड़े होने के बाद अगर हम लोग एक्सक्यूज देते हैं देन वेयर इज आवर होप। तो हम लोग कहां योग्य है भगवान के धाम में जाने के लिए। सारे विश्व के लोग श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन को श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों की कृपा प्राप्त करके भगवद्धाम चले जाएंगे, और भारत के लोग बंगाल के लोग इधर ही परे रहेंगे। तो इसलिए पोरिया रोहिलो लोचन आपनार दोषे। तो ये हम लोग की दुरावस्था है, तो इसलिए हमें इस परिस्थिति को सीरियसली लेना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यगण अभी भी वर्तमान है, एंड यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ देयर एसोसिएशन एंड प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस सीरियसली। हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं, टेक्स्ट 26। राजर्षिणां जनयिता सस्ता चोत्पथगामिनां निग्रहिता कलेरेशो জন্মদাতা হবেন বিশ্ব শান্তি ও ধর্মের স্বার্থে। তিনি উশৃঙ্খল ও কলহ প্রিয় সকলেরই দণ্ডদাতা হবেন। ইংলিশ মে পড়িয়ে। This child will be the father of kings who will be like sages. For world peace and for the sake of religion, he will be the chastiser of the upstarts and the quarrelsome. तो ये जो पुत्र है राजर्षिदेर राजर्षियों की इनको शास्ति प्रदान करेंगे जो भूव धर्मस्य कारणात्, जो पृथ्वी में क्या बोलते हैं धर्म को नष्ट करते हैं और समाज में उत्पात सृष्टि करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को निग्रह या दंडदान करेंगे। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार महाराज परीक्षित कली प्रवेश किया था, और महाराज परीक्षित कली को दंड प्रदान करने के लिए, तो कली गो माता को मार रहा था। कली इधर बहुत सुंदर डिस्कशन है, धर्म और
धरित्र के बीच में। तो महाराज परीक्षित समझ गए कि दो व्यक्तित्व कौन है। तो दोनों एक गाय और बैल के रूप में थे। तो कली गाय को हत्या करने के लिए प्रयास कर रहे थे और महाराज परीक्षित समझ गए ये दूसरा कोई नहीं है, कली है और कली का प्रवेश होने वाला है। और तुरंत महाराज परीक्षित अपना अस्त्र उठाया कली को पनिशमेंट देने के लिए। तो आज के जमाने में हम लोग देखते हैं कि हर जगह में गो हत्या हो रहा है, पशु हत्या हो रहा है और ये सारा चीज ऑथोराइज्ड है। आज के जमाना में ये सारे जितने प्रकार के पाप कर्म है ऑथोराइज्ड है। और जितने भी राजा लोग हैं, अलग अलग राजा, आज तो एक विशेष दिन है दूसरे संप्रदाय के, और उधर कितने सारे पशु हत्या गो हत्या होगा। तो गाय हमारे माँ के समान है और धर्म के प्रतीक है। तो गो माता धर्म की रक्षा करते हैं और बहेल जो होते हैं हमें अन्न प्रदान करते हैं। तो जो बहेल है हमारे पिता के समान है और गाय माता के समान है। और आज के जमाने में, आज के दिन में गाय का हत्या हो रहा है। तो और होटल बार जिसमें नशा होता है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, जुआ होता है, ये जो चार प्रकार के पाप कर्म है, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संग, ये हर जगह में भरपूर मात्रा में वृद्धि हो रहा है। और सरकार इसको ऑथोराइज कर रहे हैं। तो जिधर राजा का कर्तव्य है कि प्रजाओं को पाप से बचाए, राजा का कर्तव्य है। और अगर कोई व्यक्ति उस धर्म का अवहेला करते तो दंड प्रदान करे। तो राजा अगर प्रजाओं को पाप कर्म से नहीं बचाते हैं तो राजा को प्रजा के 1/6% पाप का फल लेना पड़ता है। प्रजा की 6 भाग की एक भाग पाप राजा को भुगतना पड़ता है। तो आज के जमाने में जो राजा हैं या लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो वो पाप कर्म करने में और मदद करते हैं। अगर पाप कर्म बंद किया जाता है तो तुरंत एक आंदोलन चालू हो जाता है कि गलत कर रहे हैं, इसको निकाल दो। तो आज के जमाने में ये परिस्थिति है। इधर कोई राजा ऋषि नहीं है, जो राजा क्षत्रिय नहीं है। तो महाराज परीक्षित ऐसे एक महान राजा होंगे। उसके बाद श्लोक संख्या 27, तक्षकात् आत्मनो मृत्युम् द्विजोपुत्रो उपसर्जितात् प्रपत्सत् उपश्रुत्या मुक्त संग पदम हरे। अनुवाद मैं बंगाली में पढ़ रहा हूँ, दूसरा कोई हिंदी में पढ़, इंग्लिश में पढ़िएगा। एक ब्राह्मण तनय कर्तृक प्रेरित एक तक्षक नागेर दंशने तार मृत्यु हबे। ता शोनार परे तिनी समस्त जड़जागतिक आसक्ति थेके मुक्त हबेन एवं तिनी परमेश्वर भगवान श्री हरिर पादपद्मे आश्रय ग्रहण करबेन।
সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়ার অনুশীলন এবং যখন তা সিদ্ধ হয় তখন ভগবত ভক্ত সম্পূর্ণরূপে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত আলয় ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন। তার মাতৃজঠরে অবস্থানকালেই তার জীবনের শুরু থেকেই মহারাজ পরীক্ষিত নিরন্তর ভগবানের আশ্রয় ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ বালক অভিশাপের ফলে সাত দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হওয়ার তথাকথিত সতর্ক বাণী তা ছিল ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি সূচক একটি আশীর্বাদ। তো মহারাজ পরীক্ষিত জন্মকে পেহলেই যা অশ্বত্থামা কা ব্রহ্মাস্ত্র আয়া থা তো উসি সময় ও ভগবান কি আশ্রয় লিয়ে থে আর ভগবান উনকো রক্ষা কিয়ে থে কিন্তু মহা ভাগবত থে আর উনকে পুরি জীবন উনে ভগবান কে আশ্রয় মে বিতায়ে শুদ্ধ ভক্তো কি পাণ্ডব কি আশ্রয় মে বিতায়ে আর মৃত্যু কে পেহলে ভগবান পেহলে সে উনকো নোটিস ভেজ দিয়া কে ইউ আর গোয়িং টু ডাই ইন নেক্সট 7 ডেজ লেট আস টেক শেল্টার অফ মি এগেইন। और महाराज परीक्षित बहुत हृदय से भगवान की आश्रय लिया। तो मनुष्य जीवन भगवान की आश्रय लेने की एक प्रस्तुति है। इस भौतिक जगत दुखमय है और इस भौतिक जगत अनित्य है। इस जीवन भी दुखमय है और इस जीवन भी टेम्पररी है। तो इसलिए हमेशा हमें इस भौतिक जगत के अनित्यता को याद रखना चाहिए। इस भौतिक जगत की जो टेम्पररी सिचुएशन है उसको याद रखना चाहिए और हमारे हर परिस्थिति में भगवान की आश्रय लेना चाहिए। जीवन के कर्तव्य कर्म करते हुए हमें भगवान की आश्रय लेना चाहिए। भगवान की आश्रय लेना ही जीवन के मुख्य उद्देश्य है। जैसे आप गाड़ी चलाते हुए डेस्टिनेशन में पहुंचना मुख्य है और गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल भरना पड़ता है। गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल भरना पड़ता है। पेट्रोल भरना गाड़ी चलाने के उद्देश्य नहीं है। उसी प्रकार जीवन को बिताने के लिए हमें किसी को ब्रह्मचारी आश्रम में, किसी को गृहस्थ आश्रम में रहना पड़ता है। उनको फैमिली मेंटेन करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, जीवन के मुख्य उद्देश्य कृष्ण को प्राप्त करना। इसलिए भौतिक जगत में किसी भौतिक वस्तु के प्रति हमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर भगवान की कृपा से हमारे पास कुछ है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और हमेशा हमें असली स्वरूप जो है, हमारे असली परिचय, उसको याद रखना चाहिए। तो अगर हम लोग भगवान के प्रति आसक्त नहीं होंगे, भगवान के चरण कमलों के प्रति, भगवान के की उनके आदर्शों के प्रति अगर हम लोग अटैच नहीं होंगे और उसके बारे में हम लोग सिंसियरली हम लोग समय स्पेंड नहीं करेंगे तो हमारे मेटेरियल अटैचमेंट और स्ट्रांग होता जाएगा। मेटेरियल अटैचमेंट ऑलरेडी है हम लोग को, बहुत जन्मों से हमारा अटैचमेंट है, तो हमें उससे मुक्त होना चाहिए या कृष्ण के प्रति हमारा अटैचमेंट डेवलप करना चाहिए। कृष्ण की सेवा के प्रति, कृष्ण की नाम के प्रति, कृष्ण की शुद्ध भक्तों के प्रति, कृष्ण के धाम के प्रति, कृष्ण कथा के प्रति, कृष्ण के विग्रह के प्रति, कृष्ण की सेवा के प्रति हमारे अटैचमेंट डेवलप करना चाहिए। दैट इज द एडवांसमेंट ऑफ लाइफ। असली एडवांसमेंट अगर हम लोग भगवान की सेवा के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के धाम के प्रति, भगवान के शिव विग्रह के प्रति हमारा अटैचमेंट डेवलप होता है। दैट इज द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो इसलिए एक भक्तों को बहुत सिंसियरली कॉन्शियसली ही शुड सी हिज एडवांसमेंट, उनके एडवांसमेंट को देखना चाहिए और प्रगतिशील भक्तों का संग लेना चाहिए। प्रगतिशील भक्तों का संग लेना चाहिए जो भक्ति में एडवांस है, जो सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं। इस कौन में ऐसे बहुत भक्त मिलेंगे आपको, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों को छोड़ के उनके बाद वाले जनरेशन में भी बहुत सारे भक्त मिलेंगे जो अलग अलग दोनों आश्रम में ही है लेकिन दे आर सीरियसली प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस।
because they are aware of their ultimate goal. They are aware of the temporary situation, condition of this material world. तो इसलिए महाराज परीक्षित को जब शाप मिला तो जन्म के पहले भी वो भगवान की आश्रय लिए और जन्म के बाद भी तुरंत वो भगवान के चरण कमल की आश्रय ग्रहण किए। तो जब उनको उनको पता चला तो और वो 7 दिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण किए और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके भगवान के नित्य धाम में वापस चले गए। दिस द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ये जो मनुष्य जीवन के सर्वोत्तम उपयोग है। तो अगले वीक से हम लोग बाकी जो लीला है उसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। जो महाराज परीक्षित किस प्रकार के भक्त थे, तो महाराज परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ है और महाराज परीक्षित के अगर महिमा का श्रवण नहीं करेंगे तो भागवतम सुनना कम्प्लीट नहीं होगा। तो भागवतम ऐसे एक ग्रंथ है जिसको जिसको जिस कथा कथा के द्वारा तीनों व्यक्ति का लाभ होता है। जो वक्ता उनका लाभ होता है, जो श्रोता उनका लाभ होता है और जो प्रश्न करते हैं उनका लाभ होता है। तो कल अक्षय तृतीया है, तो आशा करते हैं आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। कल अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया मेरे ख्याल से वैशाख महीने के अंतिम दिन है। तो तो एक बार मेरे ख्याल से युधिष्ठिर महाराज थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को वैशाख महीने के महत्व के बारे में जिज्ञासा करते हैं और फिर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि मैं वैशाख महीने के जो महत्व है ये मैं मेरे पिता ब्रह्मा जी से श्रवण किया है और ब्रह्मा जी को भगवान श्री विष्णु खुद इस वैशाख महीना और इस वैशाख महीने में जो अलग अलग पवित्र तिथियां हैं उसके महिमा के बारे में वर्णन किए हैं। तो हम लोग वैशाख महीने के शुरुआत में आप सभी को वैशाख महीने के महत्व के बारे में वर्णन किए थे कि किस प्रकार वैशाख महीने सारे महीनों में श्रेष्ठ है। तो किसी स्थानों में कार्तिक महीने को श्रेष्ठ कहा गया है, किसी महीने में किसी जगह में वैशाख महीने को श्रेष्ठ कहा गया है। तो वैशाख महीना इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई इस वैशाख महीने में भगवान की भक्ति करते हैं तो वैशाख महीना उनको दूसरे महीने से 100 गुना ज्यादा आध्यात्मिक फल प्रदान करता है। हरे कृष्णा। दूसरे महीने से 100 गुना ज्यादा आध्यात्मिक फल वैशाख महीना उनको प्रदान करते हैं। तो भगवान ये वैशाख महीना भगवान के बहुत ही प्रिय है। भगवान के बहुत सारे लीला इस महीने में हुआ है। जनरली इस बार थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो जनरली वैशाख महीने में भगवान नरसिंहदेव के आविर्भाव तिथि आता है, नरसिंह चतुर्दशी। इस बार वैशाख महीने के बाद में पड़ा है, तो भगवान नरसिंहदेव के आविर्भाव होता है वैशाख महीने में। इस बार रामचंद्र का आविर्भाव तिथि था वैशाख महीने में। तो वैशाख महीने में शालिग्राम और तुलसी का जलदान होता है। आज तुलसी के जलदान समाप्त हो रहा है। वैशाख महीने में
गदाधर पंडित के आविर्भाव हुआ है। गदाधर पंडित भगवान के अंतरंगा शक्ति है, राधा रानी है। तो वैशाख महीने में गदाधर पंडित का आविर्भाव हुआ है और इसी वैशाख महीने में ये अक्षय तृतीया जो बहुत ही विशेष तिथि है, ये वैशाख महीने में आता है। तो हम लोग अक्षय तृतीया के महिमा के बारे में सुनेंगे। तो पूरे साल में तीन महीना होता है जो आध्यात्मिक प्रगति के डिस्काउंट मानते हैं। तो एक है वैशाख महीना, एक है कार्तिक महीना और तीसरा है माघ महीना। तो क्योंकि इस भौतिक जगत के बद्ध जीव आध्यात्मिक अनुशीलन के बारे में बहुत लेजी है, बहुत कंजूस है, कृपणा। तो भौतिक जगत के लोग आध्यात्मिक अनुशीलन करने के लिए सीरियस या एंथुजियास्टिक नहीं है। और लोग मूवी देखने में, पॉलिटिकल न्यूज सुनने में, स्पोर्ट्स में गॉसिप करने में, दूसरे को क्रिटिसाइज करने में, ज्यादा समय सोने में, लड़की के पीछे घूमने में, ये सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, मनी पैसा कमाने में। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। मंद सुमंद मत मंद भाग्य उपाद्रुता, ये कलयुग के लक्षण है। इसलिए ऐसे कलयुग के लोगों को जो आगे ले जाना बहुत मुश्किल है आध्यात्मिक जीवन में, या भगवान के धाम ले जाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए भगवान बीच बीच में थोड़ा डिस्काउंट दे देते। तो भगवान सबको उत्साह प्रदान करने के लिए, क्योंकि भगवान को सबसे अच्छा पता है कि कलयुग के लोगों की, कलयुग विशेष करके कलयुग के लोगों की हालत किस प्रकार है। कलयुग के लोग बहुत कंजूस हैं। अगर किसी जगह में डिस्काउंट मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। इसलिए हम लोग भगवत गीता जब मैराथन करते हैं, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। तो हाँ, कोई कुछ लोग बोल देते इतना परसेंट डिस्काउंट, कुछ लोग बोलते इतना परसेंट डिस्काउंट है। तो जब डिस्काउंट सुनते तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो भगवत गीता जैसे अमूल्य किताब, इसके ज्ञान की भंडार, उसका उसका कोई 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 कीमत नहीं, कोई खरीद नहीं सकता। हमारे, मैं पर्सनली बोलता हूं, ये देखिए प्रभु जी, आपके आप जो टी शर्ट मेरा जीन्स पहने हो, कितना दाम है? 500 रुपया। आपके हाथ में रिस्ट वॉच कितना दाम है? 600-700 रुपया। आप जो शू पहने कितना? कम से कम 400-500 रुपया। आप जो बैग यूज करें कितना? 500-600 रुपया। कम से कम इतना तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा ही होता है। तो ये शरीर को जीवन जीने के लिए जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उसका इतना कीमत है। और जीवन का जो उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, तो उसको प्राप्त करने के लिए गीता जी है। तो आप शरीर को मेंटेन करने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और गीता के लिए उससे कम पैसा आप खर्च नहीं कर पाएंगे। ये क्या बुद्धिमानी नहीं, बुद्धिमानी है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग के लोग अपने इंद्रिय भोग के लिए सब कुछ खर्च कर देते, ऐसे नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, बट दे आर वेरी वेरी कंजूस, माइजरली। दे डू नॉट वॉन्ट टू स्पेंड एट माई टाइम एनर्जी मनी और देयर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इसलिए पोरिया लोहिलो लोचना पुनार दोषे। लेकिन भगवान बहुत दयालु है, भगवान नहीं चाहते कि ये लोग परे रहे। तो भगवान आते हैं डिस्काउंट लेके, आ गया मैं डिस्काउंट आपके लिए, आप आ जाइए, और सब लोग खड़े हो जाते लाइन। तो भगवान इस विशेष डिस्काउंट देते हैं, ये विशेष विशेष समय, कि जिस समय अगर आप भगवत भक्ति करेंगे तो आपको लाखों गुना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो
आपका भक्ति में जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें स्पीड लग जाएगा। स्पीड बहुत बार भक्ति में हम लोग स्पीड नहीं लेता है, गाड़ी चालू नहीं होता है, चालू हो जाता है फिर से लगे भ्रम करके बैठ जाता है, पैर धकेलते हैं प्रभु जी आ जाओ, पैर थोड़े जाके भ्रम करके बैठ जाता है। तो गाड़ी को चलाने के लिए थोड़ा पीछे से धकेल के स्पीड देना पड़ता है। तो ये जो उत्सव है, ये जो विशेष तिथियां हैं, महीना है, हमारे भक्ति को स्पीड देता है। भगवान की कृपा और भक्तों के आशीर्वाद के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा हमें स्पीड देता है और भक्ति एक्सेलरेट होता है। तो हालांकि भक्ति तो हमें हर दिन करना चाहिए, ऐसे नहीं। तो उस भक्ति को हर दिन या बहुत सिंसियरली करने के लिए हमें ये जो उत्सव है, ये जो अलग अलग तिथियां हैं, 22 महीने अक्षय तिथियां, ये हमें बहुत प्रेरणा देता है, बहुत शक्ति प्रदान कर जानबूझ के, बिकॉज वी आर सीरियस। तो इसलिए whimsical सिचुएशन से हमें फिक्स्ड अप डिवोटी बनने के प्रयास करना चाहिए, फिक्स्ड अप डिवोटी बनने के प्रयास करना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि अक्षय तृतीया ये सब उत्सव है जिसमें हाँ 100 गुना ज्यादा बेनिफिट होगा, तो हमें उसी समय भक्ति करना चाहिए। तो हमें हर दिन अच्छे से भक्ति करना चाहिए। तो हमारी भक्ति के प्रगति का लक्षण है, एक एक मुख्य विशेष स्थिति है, जिसलिए ये वैशाख महीना भी बहुत शक्तिशाली हुआ है। तो इसका अर्थ है कि अगर इस अक्षय से कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं तो कभी भी होगा, वो आपका परमानेंट बैंक अकाउंट, परमानेंट स्पिरिचुअल क्रेडिट बन जाएगा। इस दुनिया में हर वस्तु का क्षय होता है, आपके जीवन, आपके शरीर के शक्ति, आपका धन, इवन पुण्य कर्म भी क्षय हो जाता है, उसका विनाश हो जाएगा, में जाएंगे मर्त्यलोक में फिर से पतन हो जाएगा। लेकिन इस अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, विशेष करके सुबह उठना, मंगल आरती अटेंड करना, भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करना, हाँ भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान की अलग अलग प्रकार की सेवा करना, भागवत गीता श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, अध्ययन करना, अगर वो करते हैं तो उनका उनके सारे भक्ति, एक्चुअली भक्ति अक्षय ही है। तो ये अक्षय तृतीया के एक विशेष विशेष शक्ति है। तो जो भी आप करेंगे वो अक्षय हो जाएगा, उनका कोई क्षय नहीं है। मैं सुन रहा था कि अगर कोई व्यक्ति पाप कार्य करते हैं तो वो भी अक्षय हो जाएगा बोल रहे। हालांकि शास्त्र में पॉजिटिव चीज के बारे में बोला गया है,
नेगेटिव चीज के बारे में कुछ बोला नहीं गया, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि हम लोग उस दिन बहुत सतर्क रहे, हम लोग गलत चीज नहीं करें या भगवान की चिंतन छोड़ के दूसरा चीज नहीं करें। तो ये अक्षय तृतीया के महिमा है, जो भी हम लोग करते हैं तो वो संपूर्ण फल प्रदान करते, अक्षय हो जाते हैं। और इस दिन का इतना महिमा है कि आपको किसी समय या तिथि या मुहूर्त ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये दिन इतने शक्तिशाली है, किसी भी समय आप कुछ भी करेंगे आध्यात्मिक चीज आपको पूर्ण फल प्रदान करेगा। जनरली कोई भी शुभ चीज करने के लिए मुहूर्त ढूंढना पड़ता है, लेकिन इस अक्षय तृतीया के दिन कितना महिमा है, इसमें कोई मुहूर्त विचार नहीं होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे चीज हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा, फिर भी हम लोग श्रवण कर रहे, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री परशुराम का आविर्भाव हुआ था। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार आज की दुनिया के जो राजा लोग है, ये जो पाप कर्म कर रहे लोग हैं उनको दंड प्रदान नहीं करते। तो राजा लोग राजा का धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो परशुराम भगवान के शक्तावेश अवतार थे और वो 21 बार क्षत्रियो को निक्षत्रिय किए थे। तो परशुराम के पिताजी का नाम था जामादग्नि और वो एक बार परशुराम वन में गए थे और ये एक राजा था उसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। वो भगवान से वर प्राप्त किया था, वर प्राप्त करके वो इतने मदमत्त हो गए थे कि सबको मारने लगे, सबको अत्याचार करने लगे, धर्म की विनाश करने लगे। और वो फिर ये जमदग्नि के आश्रम में आया था और उनको बोला कि आपका गाय मेरे को दे दीजिए, और गाय जमदग्नि को छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे। और जमदग्नि कहा कि मैं मेरा आश्रय में है, मैं इसको नहीं दे सकता। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने किया कि जमदग्नि का वध कर दिया। और जब आया जब जब भगवान परशुराम के देखा कि उनके पिता का मृत्यु हो गया है और उनके माता से उन्होंने श्रवण किया कि जमदग्नि का मृत्यु हो गया, तब भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हो गए। और इतना क्रोधित हो गए एक कार्तवीर्य अर्जुन का 1000 हाथ था, भुजाए था, और उनके हाथ के कुलारी से परशुराम ने उनकी कुलारी से ये कार्तवीर्य अर्जुन का 1000 हाथ को काट दिया और उसका वध कर दिया। ये कार्तवीर्य अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि रावण को अपने बगल में बंदी बना के रख दिया था 6 महीना। रावण इतना शक्तिशाली था कि कार्तवीर्य अर्जुन के पास चुटकी में पकड़ वो भाग जाता था, इतना शक्तिशाली था। और वो कार्तवीर्य अर्जुन को परशुराम ने वध किया था। और फिर
कि मैं अपने मस्तक में धारण करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। तो इस प्रकार शिव जी अपने मस्तक में जब जब स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक में गंगा जी आई तो शिव जी अपने जटा में धारा और फिर गंगा जी आगे भारतवर्ष में प्रभावित होके फिर पाताल के दिन हुआ था। इस त्रेता युग में भगवत राम की शुरुआत की थी। तो महाभारत का पंचम वेद कहा जाता है, तो चार वेद हैं और फिफ्थ वेद इस महाभारत। और महाभारत के जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है भीष्म पर्व, और उसमें भागवत गीता आता है। तो भागवत गीता इस पार्ट ऑफ महाभारत। तो भारतामृत सर्वेशम विष्णु भक्तर विनिश्चिताम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर इस महाभारत के जो सार है भागवत गीता, और इस भागवत गीता रूपी गंगा कोई अगर पीता है तो पुनर्जन्म न विद्यते। तो काल सबको भागवत गीता पढ़ना चाहिए, और भागवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है 12th चैप्टर ऑफ भागवत गीता। 6th चैप्टर ऑफ भागवत गीता इस भक्ति योग, 5th-6th चैप्टर ऑफ भागवत गीता इस कर्म योग, लास्ट-6th चैप्टर ऑफ भागवत गीता इस ज्ञान योग, मिडिल-6th चैप्टर ऑफ भागवत गीता इस भक्ति योग, और बीच में जो 6th चैप्टर है 7 से लेके 12। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 12th चैप्टर जो भक्ति योग। तो इस 12th चैप्टर भागवत गीता अगर कोई अध्ययन करते हैं तो उनको भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है। तो काल जो महाभारत की रचना किए थे व्यासदेव, जो इसमें भागवत गीता आते हैं, तो हमें काल 12th चैप्टर ऑफ भागवत गीता पढ़ना चाहिए। आप पूरा 12th चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि कल अक्षय तृतीया है और इस तिथि को हमें बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए कि हम लोग पूरे साल और अच्छे से भक्ति कर पाए। तो उसके लिए हम लोग काल एक अच्छा प्रोग्राम रखे हैं आप सभी भक्तों के लिए। कल सुबह आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे से मॉर्निंग प्रोग्राम करिए, जपा करिए, कम से कम 25 माला आप सबको जप करना चाहिए। और फिर आप लोग गुरु महाराज का लेक्चर मोस्टली एवरी सैटरडे होता है, तो आप लोग गुरु महाराज का लेक्चर सुन सकते हैं मायापुर से लाइव 8 बजे से। और फिर शाम को हम लोगों ने आप सबके लिए प्रोग्राम रखा है, कल शाम को 4 बजे से 4:30 बजे राधा गोविंद का लाइव दर्शन होगा। आप लोग लाइव दर्शन कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद हम लोग दर्शन कराएंगे आप सबका, और फिर 4:30 से लेके 5:15 एक विशेष कथा होगा। तो वो कथा होगा भगवान श्री कृष्ण से सुधामा का मिलन हुआ था। सुधामा विप्र बहुत गरीब था और उनका परिवार नहीं चल रहा था। उनके पत्नी बोल रहे थे आप कृष्ण के पास जाओ, आपके मित्र हैं, वो मदद करेंगे। लेकिन सुधामा विप्र भगवान के पास किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे कि एटलीस्ट मेरे मित्र से तो मुलाकात होगा। तो इसलिए वो चीरा लेके गए थे, क्या देंगे भेंट, कृष्ण के पास गए थे चीरा लेके। और कृष्ण से मुलाकात हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, और वो हुआ था काल के ही दिन। हरि बोल। तो काल के दिन हम लोग श्रवण करेंगे कि सुधामा को भगवान किस प्रकार स्वागत किया, और सुधामा का भाव किस प्रकार था, और भगवान किस प्रकार उनके साथ आदान प्रदान किए। तो काल हम लोग 4:30 से 5:15 हम लोग इसके ऊपर श्रवण करेंगे 45 मिनट्स, और फिर 45 मिनट्स 6:15 to 6 o'clock we'll chant together. तो 4:30 हम लोग दर्शन होगा, कीर्तन होगा, और फिर 4:30 to 5:15 हम लोग कथा श्रवण करेंगे, और फिर 5:15 to 6 o'clock हम लोग
सब लोग एक साथ बहुत अच्छे से जप करेंगे। तो हम सब भाई भक्तों को प्रयास करना चाहिए काल के दिन को बेस्ट यूटिलाइज करें। तो ये आप सभी के लिए इनविटेशन है, तो आप सभी लोग आ सकते हैं, सबके लिए है प्रोग्राम। तो काल का दिन जो अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ सुधामा का मिलन हुआ था, व्यासदेव जी ने महाभारत का रचना शुरुआत किए थे। काल के दिन द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था, अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था सूर्यदेव से। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दो बार रक्षा किए थे द्रौपदी को, जैसे भगवान ने परीक्षित को दो बार रक्षा किए, जन्म के पहले मृत्यु के पहले, उसी प्रकार द्रौपदी को पांडवों को बहुत बार रक्षा किए थे। अक्षय तृतीया के दिन दो बार रक्षा किए थे, एक बार वस्त्र हरण के समय, वो अक्षय तृतीया के दिन था, और एक बार द्रौपदी को रक्षा किए थे जब वो लोग वनवास में थे और दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य के साथ दुर्वासा मुनि आ गए थे और उनको भोजन करने के लिए उनको कुछ नहीं था और अक्षय पात्र धो दिए थे। तो फिर उस समय भगवान फिर से आए, भगवान उधर नहीं थे, जब वस्त्र हरण के समय भगवान आए थे उसी प्रकार दुर्वासा मुनि के 10,000 शिष्य लोग आए थे, तो भगवान उधर से। तो उसके बारे में भी हम लोग काल श्रवण करेंगे, दुर्वासा मुनि किस प्रकार भगवान उनको रक्षा किए, पांडवों को रक्षा किए। तो इस प्रकार भगवान ने दो बार रक्षा किए थे इस अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी को, पांडवों को। काल के दिन ही, अक्षय तृतीया के दिन ही माधवेंद्र पुरी गोपाल जी को या गोपीनाथ जी को चंदन प्रदान किए थे, चंदन। तो आप लोगों को माधवेंद्र पुरी का लीला पता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है माधवेंद्र पुरी। तो मैं संक्षेप में बताता हूँ, आप लोग रहिए और 10 मिनट रहिए। तो माधवेंद्र पुरी भगवान के महान भक्त थे और वो वृंदावन में भजन कर रहे थे अजगर वृत्ति धारण करके। अजगर वृत्ति मतलब केवल भजन करते हैं, जैसे अजगर एक स्थान में रहता है, अगर कुछ खाना आ जाता है खा लेता है, नहीं तो नहीं खाता है, उधर ही सोया रहता है। उसी प्रकार माधवेंद्र पुरी अपने भोजन के लिए, अपने शरीर के निर्वाह के लिए वो उत्साहित या सीरियस नहीं थे, एक्टिव नहीं थे, केवल भजन करते थे, दिन रात भजन करते थे, और अगर किसी ने भोजन खिला दिया तो किसी ने कुछ दे दिया तो ले लिए, नहीं तो वो ऐसे ही रहते थे। तो मेरा मोबाइल का चार्ज खत्म हो रहा है। तो माधवेंद्र पुरी भजन कर रहे थे तो गोपाल जी उनके 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 पास आए कि बाबा मैंने सुना कि आपने कुछ भोजन नहीं किए। बोले आपको कैसे पता चला? बोले इधर सारे गोपियां जाती हैं और उन्होंने देखा कि आप भजन कर रहे हो, तो हमारे ब्रज में तो कोई भूखा नहीं जाता है, तो ये लो आपके लिए छाछ। और माधवेंद्र पुरी वो छाछ किए और गोपाल और गोपाल कृष्ण गोप सखा के रूप में चले गए। और जब वो उन्होंने छाछ पिया तो भर गया, तो संध्या के समय वो भजन करते उनके तंद्रा आ गया और भगवान उनके सपने में आ गए और बोले कि बाबा मैं इस पर्वत के पीछे जो झाड़ी है उसके अंदर मैं हूँ। जबन लोगों ने आक्रमण किया तो मेरे भक्त लोगों ने मेरे को मिट्टी के नीचे सुरक्षित रख दिया, आप मेरे को उठाओ उधर से। तो माधवेंद्र पुरी ब्रजवासियों के साथ उस स्थान में गए और उस मिट्टी को खोदे, झाड़ी को काट के उस मिट्टी को खोदे, बहुत सुंदर एक विग्रह प्रकट हुए, उनका नाम है श्रीनाथ जी, गोपाल जी, अभी जो नाथ द्वारा में है जो विग्रह, वो माधवेंद्र पुरी ने उनका 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 क्या बोलते उद्धार किया था, उनका स्थापना किया था गोवर्धन के ऊपर। और फिर कुछ दिन के बाद माधवेंद्र पुरी भजन कर रहे हैं, गोपाल जी का स्थापना हो गया, माधवेंद्र पुरी फिर से भजन किए और फिर गोपाल जी फिर से सपने में आए, माधवेंद्र पुरी बाबा मेरे को बहुत गर्म लग रहा है, आप मेरे लिए चंदन लाओ। तो इस वैशाख के समय आप सभी को पता है बहुत गर्मी है और
वृंदावन में ऐसी गर्मी के समय बहुत गर्मी है, नॉर्मल टेम्परेचर बहुत है वृंदावन में। छह मतलब 5-6 महीना था तो उस समय वृंदावन में जो नॉर्मल पानी का टेम्परेचर होता है गर्मी के समय गीजर के जैसा है पानी, और ठंडी भी बहुत 0 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर है। तो वृंदावन में रहना आसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत तपस्वी नहीं होता है, बहुत धैर्यशाली, बहुत पीसफुल, सहनशील नहीं होता है, वृंदावन में रह नहीं पाएगा। तो इसलिए ब्रज में भजन करने के लिए एक व्यक्ति को आध्यात्मिक तरीके से प्रगतिशील होना पड़ता है। तो माधवेंद्रपुरी भजन कर रहे थे, तो गोपाल जी आके बोले कि आप मेरे लिए चंदन लाओ। तो चंदन कहाँ मिलेगा? चंदन मिलेगा मलय पर्वत में। और मलय पर्वत ओडिशा, वृंदावन से ओडिशा तो पैदल जाना पड़ेगा इतना दूर। और चंदन का, चंदन बहुत कॉस्टली है, बहुत दामी है, उनके पास कुछ पैसा नहीं है, तो कैसे चंदन कैसे जाएंगे उधर से, कितना दूर लेके आएंगे? लेकिन भगवान जैसे स्थान छोड़ के निकल पड़े। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, भगवान ने ऐसा आदेश दिया हम चंदन कैसे करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, सो लेट मी स्टे हियर ओनली, नॉट गो। माधवेंद्रपुरी ऐसा नहीं सोचा। माधवेंद्रपुरी सोचा कि भगवान के आदेश है, मैं निकल जाता हूं, किसी ना किसी तरीके से भगवान अरेंजमेंट करेंगे। तो माधवेंद्रपुरी निकल गए और रास्ते में रेमुना आया, और रेमुना में वो पास टाइम हुआ, आप लोगों को पता है खीर चूरा गोपीनाथ का पास टाइम हुआ के भगवान को खीर भोग लगा था। माधवेंद्रपुरी सोचा इतना सुंदर खीर अगर मैं गोपाल जी के लिए बना दूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। Let me taste this key and understand how it हालांकि उनका कोई दोष नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, खीर आप नीचे छुपा के रख दिया। उस दिन जो खीर भोग लगा था उसमें से एक कटोरी उन्होंने चोरी करके रख दिया। और रात हुआ तो गोपीनाथ जी वो पुजारी के सामने आए, पुजारी पुजारी उठो, मेरा भक्त खीर खाना चाहते हैं, उनको जाके खीर दे के आ। वो चले गए मेरे मंदिर चोर के। तो पुजारी सोचा अरे सच है कि नहीं, सपना है तो सच नहीं भी हो सकता है। ठीक है उठते हैं, तो उठ के नहा के नया कपड़ा पहन के मंदिर के अंदर घुसा। घुस के फिर देखा कि भगवान भगवान के सामने गया और भगवान के आंचल को हटाया, देखा उधर एक कटोरा रखा हुआ है जिसमें अमृत के लिए खीर रखा हुआ था। तो पुजारी आश्चर्यचकित हो गया कि गोपीनाथ खीर चोरी किया उनके भक्तों के लिए, तो भक्त कितना महान होंगे। तो वो भक्त, वो पुजारी तुरंत उस समय निकल गया कि कौन है माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी है जिनके लिए गोपीनाथ खीर चोरी किया। चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु खुद ये वर्णन करते हैं नित्यानंद प्रभु को। और वो क्यों वर्णन करते हैं, कि चैतन्य महाप्रभु को ये लीला सुना था उनके गुरुदेव ईश्वरपुरी से, और ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के गुरु हैं, करो ही यार। तो पुरी की सेवा लेना चाहते थे भगवान गोपाल जी खुद। अरे भगवान का सेवा करने के लिए लाखों लाखों लक्ष्मी देवी लाइन देके खड़ी है, बड़े बड़े मुनि ऋषि योगी नारद शिव ब्रह्मा जी भगवान की सेवा करने के लिए खड़े हैं, और भगवान उनकी सेवा लेना नहीं चाहते। लेकिन इधर भगवान
माधवेंद्रपुरी की सेवा ग्रहण करना चाहते हैं, माधवेंद्रपुरी को खिलाना चाहते हैं। माधवेंद्रपुरी को बोल रहे हैं मेरे लिए चंदन लाओ, माधवेंद्रपुरी को बोल रहे हैं मेरे को उठाओ। तो सोचिए माधवेंद्रपुरी कितने उच्च कोटि के भक्त हैं। तो पूरे रेमुना और पूरे ओडिशा में माधवेंद्रपुरी के जश फैल गया। तो जब तक माधवेंद्रपुरी रेमुना से ओडिशा पहुंचते हैं, माधवेंद्रपुरी के ख्याति ओडिशा फैल गया। तो इस घटना के पहले माधवेंद्रपुरी को कोई नहीं जानता था। Nobody knows who is Madhavendra Puri, who is going to give। माधवेंद्रपुरी के पास एक कूटा पैसा भी नहीं था कि चंदन खरीदेंगे। लेकिन अभी जब माधवेंद्रपुरी का जश फैल गया और जब वो पुरी पहुंचा तो पुरी के राजा ने कहा कि माधवेंद्रपुरी बाबा आप आए हैं हमारे हमारे राज्य में, हमारे जीवन हमारे राज्य धन्य हो गया, हमारे राज्य पवित्र हो गया। आप जिस आपके चरण धूलि से हमारे राज्य धन्य हो गया। हे महात्मा जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते। तो माधवेंद्रपुरी इतने शरणागत भक्त थे, उनके जश में उनका अहंकार नहीं हुआ और उन्होंने अपने जश प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे भगवान की सेवा करें। और इसलिए माधवेंद्रपुरी ने राजा को कहा, है राजा मैं आया आपके राज्य में गोपाल जी के लिए चंदन लेने के लिए। गोपाल जी को चंदन चाहिए और इस गर्मी में अगर गोपाल जी को चंदन प्रदान करेंगे तो उनके शरीर शीतल हो जाएगा और बहुत आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए। तो राजा ने तुरंत उनके सेवकों को भेजे और मलाई सभी को आशीर्वाद करिए कि हम लोग गोपाल जी जगन्नाथ जी के भक्त बन सके। तो और फिर गोपाल माधवेंद्रपुरी जब पूरी से रिटर्न जा रहे थे तो रेमुना होके जा रहे थे, और जब रेमुना होके जा रहे थे तो गोपाल जी फिर से सपने में आए कि बाबा आप इतने दूर ओडिशा से वृंदावन आओगे, आपको इतना दूर कष्ट करके आने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना कष्ट करके गया, आपका कष्ट मेरे को नहीं हो रहा है, मैं इधर ही खुद अपने तीर से इस गोपीनाथ जी का निर्माण किए थे। और बाद में वो चित्रकूट से रेमुना आए, उसका बहुत सुंदर लीला है, दूसरे किसी समय आप सुन सकते हैं, कुछ लोगों आपको पता है। वो जो गोपीनाथ जी स्वयं रामचंद्र जी के हाथ से बना हुआ, तो सोचिए कोई इमाम मूली विग्रह नहीं है। मैं इस गोपीनाथ जी के रूप में मैं वर्तमान हूं, आप इस मेरे को गोपीनाथ जी को आप चंदन अर्पण करो और मेरा शरीर शीतल हो जाएगा। तो तब इस अक्षय तृतीया के दिन माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ जी को इस चंदन सेवा अर्पण किए। तो जो चंदन यात्रा उत्सव अक्षय तृतीया दिन से शुरू होता है, अगला 21 दिन सारे वैष्णव मंदिर में विष्णु भगवान के मंदिर में भगवान को चंदन दिया जाता है। इस्कॉन के सब मंदिर में 21 दिन चंदन यात्रा का उत्सव होता है। ये उत्सव अक्षय तृतीया के दिन शुरू हुआ था, माधवेंद्रपुरी ने भगवान को चंदन प्रदान किया था। ये चंदन भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा के क्या बोलते हैं, प्रेममयी सेवा के सेवा की उदाहरण है। तो माधवेंद्रपुरी के प्रेममयी सेवा भगवान स्वीकार किए थे। और कोई भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन अगर भगवान को चंदन देते हैं तो उनकी माधवेंद्रपुरी और गोपीनाथ जी को विशेष कृपा प्राप्त होगा। तो कल आप सभी भक्त लोग अपने घर में या वॉयस में आप भगवान को चंदन दीजिए। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो भगवान के फोटो में, भगवान के कपाल में चंदन दे सकते हैं, या चंदन तुलसी भगवान के चरणों में दे सकते हैं। तो अगर हम लोग भगवान को चंदन प्रदान करेंगे तो हम लोग त्रिताप क्लेश से भौतिक जगत में जो कष्ट पा रहे हैं हर जीवात्मा अलग अलग प्रकार के क्लेश से, उससे आप
आप मुक्त हो जाएंगे। तो माधवेंद्र पुरी के इस लीला से बहुत महत्वपूर्ण चीज सीख सकते हैं कि अगर हम लोग भगवान की आज्ञा को पालन करने के लिए या भगवान के प्रतिनिधि श्री गुरुदेव की आज्ञा को पालन करने के लिए हम लोग दृढ़ रहेंगे, अगर भगवान की आज्ञा के प्रति, भगवान के निर्देश के प्रति, श्री गुरुदेव के निर्देश के प्रति अगर हमें सरल विश्वास कहते हैं और उसको पालन करने के लिए अगर हम लोग कष्ट भी उठाते हैं, तो भगवान आपको उस आदेश पालन करने की सारे शक्ति, सारे फैसिलिटी प्रदान करेंगे। माधवेंद्रपुरी के पास कुछ पैसा नहीं था कि चंदन खरीदेंगे, माधवेंद्रपुरी को पता नहीं था कि कैसे उस चंदन लेके आएंगे, माधवेंद्रपुरी को पता नहीं था वो कैसे इतना दूर पैदल जाएंगे, लेकिन फिर भी भगवान के आदेश बोल के उन्होंने निकल गए। उसी प्रकार अगर हम लोग भगवान और श्री गुरुदेव, भगवान के प्रतिनिधि भक्त, उनके आदेशों का, उनके इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, तो हमारे कितने भी अयोग्यता क्यों ना रहे, सो मेनी डिस्क्वालिफिकेशन वी माइट हैव, हमारे योग्यता नहीं भी हो सकता है, टैलेंट नहीं भी हो सकता है, स्किल नहीं भी हो सकता है, लेकिन भगवान आपको शक्ति प्रदान करेंगे क्योंकि आप उनकी सेवा करने के लिए, आप उनकी सेवा करने के लिए आप समर्पित है, उनके 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 कृपा के ऊपर निर्भरशील है आप, क्योंकि आप भगवान की कृपा के ऊपर निर्भरशील है, भगवान के आदेश के प्रति विश्वास है, तो भगवान आपको एम्पावरमेंट देंगे। सेम चीज हम लोग देख सकते हैं शिला प्रभुपाद के जीवन में। शिला प्रभुपाद वृंदावन में रह रहे थे और उनके गुरु का आदेश था कि आपका, आपके जैसे व्यक्तियों की कर्तव्य है, युवा पीढ़ियों का कर्तव्य है, एक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा इंग्लिश लैंग्वेज में, विशेष करके इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को प्रचार करें। और उनके जीवन में उन्होंने प्रयास किया भारत में प्रचार करने के लिए और सक्सेसफुल नहीं रहे, और फिर उनके अंत समय में जब उनका 70 साल की उम्र था तो प्रयास कर रहे थे कि मैं कैसे मेरे गुरु की आज्ञा को पालन करूं, कैसे मेरे गुरु की इच्छा को संतुष्ट करूं। तो अपने 70 साल की उम्र में उनके गुरु की आज्ञा के हिसाब से, आज्ञा है, चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी है और उसको पूरा करने के लिए निकल गए विदेश में, पर उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, 40 रुपया, फॉरेन कंट्री, रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, कोई मैन पावर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, राइट साइड जाएंगे ना लेफ्ट साइड जाएंगे कुछ भी पता नहीं है, विदेश की जगह जिधर कोई कृष्ण शब्द तक नहीं सुना है, उधर कौन कृष्ण भक्त बनेंगे। लेकिन फिर भी श्री प्रभुपाद जी भगवान के संतुष्टि के लिए, गुरु को संतुष्ट करने के लिए आपने सारे कष्ट उठाए, और हम लोग देखते हैं किस प्रकार भगवान उनको मदद करते हैं, भगवान की कृपा से किस प्रकार उधर हिप्पी मूवमेंट चल रहा था और वो कृष्ण भक्ति या कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, और श्रील प्रभुपाद उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और लोग आकर्षित हो गए और हजार हजार लोग बहुत ही कम समय में कृष्ण भक्ति को स्वीकार किए। तो और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने उसी विदेशी भक्त को देके एक कृष्ण भक्ति का प्रचार सारे पृथ्वी में किया। इस प्रकार माधवेंद्र पुरी ने चंदन अर्पण किया, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने उनके गुरु के आज्ञा को पालन करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, ये जो व्हाइट एलिफेंट जो विदेशी भक्तों को चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में नियुक्त किया और उनके द्वारा वो सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए कि हमारा योग्यता है कि नहीं, तो एक्चुअली हम लोग अनक्वालिफाइड ही है, लेकिन हमें, हम लोग अगर कृष्ण की सेवा करने के लिए, महाप्रभु की सेवा करने के लिए, गुरु के आदेश को पालन करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे तो भगवान हमें इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करेंगे। तो इसलिए हमें भगवान के आदेश पालन करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होना चाहिए कि भगवान या गुरुदेव किसी भी तरीके से मदद करेंगे, भेजेंगे। तो इसलिए शुड नॉट बी लेजी एंड सिट इन ए कॉम्फर्ट जोन। माधवेंद्रपुरी डिड नॉट सिट इन ए कॉम्फर्ट जोन इन वृंदावन। वी शुड कम आउट फ्रॉम आवर कॉम्फर्ट जोन एंड डू सम सर्विस फॉर कृष्ण, एंड दिस चंदन जत्र रिप्रेजेंट सर्विस टू कृष्ण।
तो हमें लेजी नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ सेवा करने के लिए, महाप्रभु के आंदोलन में सेवा करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। हमारे पढ़ाई के साथ साथ या वर्किंग लाइफ के साथ साथ वी शुड ब्रिंग सम टाइम टू सर्व कृष्णा एंड दस मेक सम वैल्यूएबल वेल्थ इन आवर लाइफ। कृष्ण की सेवा हमारे जीवन के सर्वोत्तम धन है। अगर वो धन किसी के पास नहीं है, वो सबसे गरीब है। आपको बहुत बड़ा पोस्ट हो सकता है, बड़े कंपनी में नौकरी कर सकते हैं, आपके पास बहुत बड़ा डिग्री हो सकता है, बट इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू, इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू इफ यू डू नॉट हैव द भक्ति एंड सर्विस, भगवान के सेवा, भगवान के भक्ति। और इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में विशेष करके इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी को उनके गुरु से सेवा मिला था, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों को श्रील प्रभुपाद जी से सेवा मिला था, और उन्होंने इस सेवा धन को प्राप्त करके धनी हुए। अपने सारे भौतिक धन को परित्याग करके भगवान की सेवा लिए, पंकजांग प्रभु, जन निवास प्रभु, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, राधनाथ स्वामी महाराज, तो दे लेफ्ट देयर एवरीथिंग। जिस प्रकार सिक्स गोस्वामी लेफ्ट देयर एवरीथिंग एंड जॉइन लॉर्ड चैतन्यस मूवमेंट, उसी प्रकार हमें सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए हो, अभी मैं कंपनी में जॉब मिल गया है, बस नाउ माय लाइफ इज सक्सेस, नाउ आई हैव गॉट मैरिड, आई हैव ब्यूटीफुल वाइफ, नाउ माय लाइफ इज सक्सेस, नाउ आई हैव गॉट प्रमोशन इन माय जॉब, नाउ माय लाइफ इज सक्सेस। नो सर, वी आर वेरी वेरी फार, भगवान से बहुत दूर है। एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ अनित्य है इस दुनिया में। हमारे पोस्ट, पोजीशन, परिवार, पत्नी, हालांकि हमें उनका टेक केयर करना चाहिए, वी शुड नॉट नेग्लेक्ट देम, वी शुड एंगेज देम और वी शुड यूनाइटेडली सर्व। हम लोग जिन भक्तों के संग में, आप गृहस्थ भक्त है आपके परिवार या आप वॉयस में हैं, अलग अलग बच्चे लोग अलग अलग जगह में, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल हमें परिवार की सेवा करेंगे, हमारे फैमिली मेंबर की सेवा करेंगे, ये भक्त लोग तो हमारे रिलेशन में है ही नहीं। दिस इज योर इग्नोरेंस, दिस इज योर कॉम्प्लीट बॉडली कॉन्शियसनेस, आपकी भौतिक चेतना है जो आप सोच रहे कि ये भक्त लोग मेरे परिवार का नहीं है और मैं भक्त की परिवार का नहीं है। भक्त लोग ही हमारा असली रिलेटिव है, श्रील प्रभुपाद गुरु और ये जो श्रील प्रभुपाद जी के जो इस्कॉन है, दिस इज आवर रियल फैमिली। कृष्णा इज द ओनर ऑफ दिस मूवमेंट। ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु इसके पिता है, संकीर्तनैक पितरो, ये चैतन्य वृक्ष की शाखा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरी कर रहे हैं। तो ये जो भक्त की संघ है, आप जिधर भी हैं, इधर वॉइस में या घर में हैं, इफ यू थिंक ओनली दैट, मैं अगर सोचते कि मैं कि परिवार ही हमारा प्रियजन है, मेरे परिवार, मेरे कुत्ते, भक्त उतना बस रहना पड़ता है मेरे को, क्योंकि मैं शहर में हूं तो वॉइस में अच्छा खाना मिलता है, अच्छा रहने को, जब तक इस उतना ही हम लोग उतना, बहुत बार हमारे माइंड में ऐसा ही घूमता रहता है। तो ये हमारे 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 सेल्फिशनेस, सेल्फिश टेंडेंसी जो होता है, या हमारे जो बॉडीली कॉन्शियसनेस का प्रमाण है। तो हमारे हृदय जब तक भौतिक अज्ञान से, ईर्ष्या से भरा रहता है, we are not able to accommodate all the devotees with us. We separate ourselves from the devotee association and we do not like to contribute. हम लोग इस आंदोलन में, आंदोलन का पार्ट बनना नहीं चाहते। आंदोलन की जो, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की जो जरूरत है, उसमें हम लोग उसको जरूरत, हमारी जरूरत बोल के नहीं मानते हैं। We just take advantage of this movement and we want to be happy. Take and forget. So that is selfishness. So that will not make us advance in Krishna consciousness. So agar hum log bhakti mein advance hona chahte hain, we should be very sincere
टू डू वेरी नाइस साधना, बहुत अच्छा साधना करना चाहिए हमें, एंड देन वी शुड ट्राई टू बिकम ए एक्टिव मेंबर एंड डेडिकेटेड सर्वेंट, ए सोल्जर ऑफ दिस मूवमेंट, एंड वी शुड मेक आवर ऑल फैमिली मेंबर रिलेटिव्स टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. तो हमें, हम किसी भी आश्रम में क्यों ना रहें, इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की सेवा करना चाहिए. इस प्रकार माधवेंद्र पुरी हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आके भगवान की सेवा करना चाहिए, हमारे भगवान के शुद्ध भक्त श्री गुरुदेव की सेवा करना चाहिए. और इस प्रकार हम लोग एक भगवान की सेवा का यंत्र बन सकते हैं, भगवान की कृपा के एक यंत्र बन सकते हैं, और भगवान आपको बहुत प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं उनकी इच्छा को पूरी कर. और जिनके पास इस प्रकार भगवान की सेवा है वो सबसे ज्यादा धनी है. तो अक्षय तृतीया के दिन इस चंदन यात्रा का शुरुआत चीज हुआ है, जिसमें एक मिनट में बोलता हूँ. सुधामा से कृष्णदम हुआ था, या वैष्णव को बहुत प्रकार के दान कर सकते हैं. ऐसा बोला जाता है कि वैशाख महीने में अगर कोई नींद से उठता है, नींद से उठ के सोचते कि मेरे को सुबह नहा के मंगल आरती जाना है, तो बोला जाता है अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोच के एक पैर निकाल देता है उसको लाखों लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है. अगर वैशाख महीने में अगर कोई सुबह स्नान करके शुद्ध होके भगवान की आरती अटेंड करने के लिए जाना चाहते, केवल जाना मतलब चाहने से ही, एक पैर निकलने से उतना फल होगा, और मंगल आरती अटेंड करने से क्या फल होगा सोच लीजिए. अगर कल के दिन कोई किसी वैष्णव को छाती देते हैं गिफ्ट, तो उनका सारे त्रिताप क्लेश चला जाता है. फिर नारद मुनि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णव को शीतल जल पान कराते हैं भगवान बहुत प्रसन्न होते. अगर कोई व्यक्ति वैष्णव को भोजन कराते हैं उसको कितना फल प्राप्त कर होता है, उसको कितना उनको आशीर्वाद मिलता है, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं. तो इस अक्षय तृतीया के दिन वैशाख महीने में वैष्णव सेवा की बहुत फल है. तो हालांकि अभी कोरोना चल रहा है, थोड़ा वैष्णव सेवा करना मुश्किल है, तो जिस तरीके से पॉसिबल है आप लोग कर सकते हैं, या भगवान की सेवा के लिए दान कर सकते हैं. विशेष करके आप लोगों को पता है कि हमारे इस्कॉन कोलकाता मंदिर में है, भगवान के ड्रेस रूम में आग लग गया था और सब ड्रेस जल गया था. तो यू हैव वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी कि काल के दिन आप भगवान की सेवा के लिए कुछ दान कर सकते हैं, वैष्णव की सेवा के लिए दान कर सकते हैं, या भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए दान कर सकते हैं, वो सेवा आपका अक्षय हो जाएगा. काल के दिन जगन्नाथपुर में जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का शुरुआत होता है, रथ यात्रा का निर्माण शुरू होता है, और काल के दिन ऋषभदेव भगवान ने एक विशेष तपस्या श्रेष्ठ है जिसको हम लोग अच्छे से, हालांकि लास्ट दिन है कल, तो हमें हर साल वैशाख महीने को अच्छे से पालन करना चाहिए, और पूरे साल ही आप हमें बहुत अच्छे से भक्ति करना चाहिए. उषा, दिस इज द नेचर ऑफ दिस मैटेरियल वर्ल्ड, दुखालय आश्वासतम. तो इसलिए अगर सब ठीक ही हो जाएगा तो आध्यात्मिक जगत जाने की जरूरत ही क्या है, भगवान क्यों बोलते मेरे धाम में आ जाओ, अगर इसको प्रॉब्लम ठीक ही हो जाएगा. प्रॉब्लम इस दुनिया में हमेशा रहेगा, एंड देयरफॉर वी नीड टू टेक कृष्ण कॉन्शियसनेस सीरियसली नाउ. इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है अभी सभी भक्तों को, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, प्लीज टेक दिस प्रोसेस सीरियसली. श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स आर लीविंग
and still some disciples are there and they can take you going back to Godhead because they are the soldier of the captain. Srila Prabhupada is senapati hai Chaitanya Mahaprabhu ke aur wo Srila Prabhupada ji ke sena hai. To isliye aapke paas hame bahut opportunity hai us sena ko उस सब सेनापति को असिस्ट करने का. इतना भाग्यशाली मौका और किसी को नहीं मिलेगा. नेक्स्ट जनरेशन से हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि श्रील प्रभुपाद जी कुछ ही दिन पहले थे. श्रील प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल के कांटेक्ट में हम लोग आए हैं. इससे ज्यादा सौभाग्य और कुछ नहीं है. और इसलिए वो लोग अभी भी है, उनके उदाहरण अभी भी हमारे आंखों के सामने है. शुद्ध भक्ति के उदाहरण केवल पांडव लोग, महाराज परीक्षित, बलि महाराज, रंती देव भी नहीं, हमारे सामने ऐसे बहुत महान भक्त हैं. केवल माधवेंद्रपुरी नहीं, गुरु सेवा का उदाहरण श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य लोग इस प्रकार हमारे सामने दिखा के गए हैं. तो अगर हम लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे भक्ति में, पीछे IOIF बॉय बन के रह जाएंगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे. इस्कॉन शिक्षित, इस्कॉन के गुरु जनों से दीक्षा नहीं लेंगे, सोलह वाला चार नियम, एक कॉमिटेड डिवोटी नहीं बनेंगे, देन विल रिमेन इन द मैटेरियल वर्ल्ड सम पायस मैटेरियलिस्ट बन के रह जाएंगे. पायस मैटेरियलिस्ट, थोड़ा थोड़ा भक्ति किया बस, वेजिटेरियन, नो अनियन, नो गार्लिक, बस ऐसे ही बनते रह जाएंगे और बार बार आते रहेंगे. तो इसलिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, मेरा निवेदन है, प्लीज टेक इट सीरियसली एंड मेक योर लाइफ सक्सेसफुल. सो टुमारो विल मीट अगेन, यू आर ऑल वेलकम. आप जो भी भक्त लोग आना चाहते हैं कल आ सकते हैं. तो एक जस्ट फैसिलिटी है, कल के दिन आप सबको भक्ति को और अच्छे से, बस सुबह का टाइम आप सब लोग अच्छे से यूटिलाइज करिए और इवनिंग में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है राधा गोविंद का लाइव. दर्शन कर सकते लोग 4 to 4:30 दर्शन एंड कीर्तन, देन 4:30 to 5:15 विल हियर समथिंग एंड देन 5:15 to 6 o'clock विल चैंट ऑल टुगेदर. ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की, अक्षय तृतीया महा महोत्सव की, वैशाख महीना महा महोत्सव की, अधवंदपुरी पाद की, गोपाल जीव की, गोपीनाथ जीव की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि. तो किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है? एक दो क्वेश्चन और कमेंट हम लोग ले सकते हैं. एनी क्वेश्चन एंड कमेंट. हरे कृष्ण गुरु. हरे बोल प्रकाश प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. आप बोले थे ना कि मतलब कि परशुराम जी ने मतलब क्षत्रियो को मारा था जो अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे, तो मतलब फिर तो उन्होंने धृतराष्ट्र को क्यों नहीं मार दिया? वो भी तो एक अच्छे रूलर नहीं थे ना, उसके पहले आए थे. धृतराष्ट्र बाद में आए, तो उस टाइम पे भी तो थे मतलब परशुराम जी थे. तो